अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, लेकिन उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और यार साथ में लाइक भी दे देना है। और आज मैं आया हुआ था डुड्याल अपनी ड्यूटी में, क्योंकि ड्यूटी भी तो जाहिर सी बात करनी होती है, काम काज भी साथ ही हैं। तो इधर से मैं गुजर रहा था, बहुत ही प्यारी लोकेशन है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, बहुत ही मज़े का व्यू है। और मैं जो है ना, जब भी इधर से गुजरता हूँ तो मेरे माइंड में होता है कि यार मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये एक झील सी बनी हुई है और इसमें मैं जब भी मैंने देखा है इसमें पानी होता है, खुश्क नहीं होता, बहुत ज़बरदस्त व्यू, आप चेक कर सकते हैं। ये वो आगे तक जा रही है, बहुत ज़्यादा इसका है, और इसमें पानी जो है ना इसी तरह इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। देखें अभी आप देख सकते हैं दूसरा रास्ता, कोई घर ही नहीं है, बिल्कुल कोई आबादी नहीं है। तो जैसी बात है, अल्लाह पाक की शान है, चरंद परिंद के लिए भी पानी का इंतज़ाम किया हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, आप चेक कर सकते हैं ये सारा एरिया। ये चकमलूक में आता है, ये एक शॉर्टकट रास्ता है, चक नारंग इसको कहते हैं, और आप नज़ारा चेक कर सकते हैं। और आज मैं अपने दोस्त के साथ आया हुआ था, वो दोस्त मेरा खड़ा हुआ, वो देखें बाइक पे, देखा आपने, तो चेक कर सकते हैं आप कैसा खूबसूरत नज़ारा है जी दोस्तों। तो वो रह गई है झील, या मैं जो मैंने आपको अभी दिखाई है। तो अभी मैं ऊपर आ गया हूँ क्योंकि अभी घर की तरफ भी जाना है। पीछे आप सारा देख सकते हैं, बिल्कुल सुनसान एरिया, कोई आबादी नहीं है। और वो दूर जो आप देख रहे हैं, वो वाइट से कलर के कपड़े जिसने पहने हुए हैं और ब्लैक पैंट पहनी हुई है, मेरा दोस्त है, वो इंतज़ार कर रहा है मेरा, कह रहे कि यार नदीम भाई जल्दी आओ यार, आप क्या वीडियो बनाते रहते हो। तो मैंने उसको बताया कि यार नहीं, मैंने वीडियो बनानी है, क्योंकि व्यूज़ जो हैं वो मेरा इंतज़ार करते रहते हैं कि यार नदीम आप वीडियो नहीं शेयर करते, तो बस टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, इसलिए तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बेस पे जो है आपके साथ वीडियो शेयर की जाए। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है और मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। वो देखें, वो दोस्त कर रहा मेरा, आ जाओ ऊपर बाइक लेके भाई, आ जाओ। तो अभी बस घर की तरफ जाने की तैयारी है जी। बादल बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं आप बादल हैं, और मौसम अभी अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक का शुक्र है। दुआ करें कि बस बारिश हो जाए। दोस्त आ गया है मेरा मुझे लेने के लिए, जी तो फाइनली हम जा रहे हैं घर की तरफ, साथ साथ में आपको नज़ारे करवाते रहेंगे। चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, दूर दराज तक कोई आबादी का नाम निशान भी नहीं है। बहुत ही खूबसूरत एरिया, चेक कर सकते हैं। और ये मूंगफली की फसल है जी, अभी इसका भी टाइम नज़दीक है, इसको ज़मीन से निकाल के खाया जाएगा, सर्दियों में इसको खाने का सही काम है जी। तो मैं गुजर रहा था, मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करता चलूँ, ऐसा करना यार। ये आप चेक कर सकते हैं, ये जो फसल है इसको बाजरा कहते हैं, ये बाजरे की फसल है, ठीक है, और इसकी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, और इसके ऊपर जब मक्खन लगा होता है उसको खाने का मज़ा ही अपना होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, इसको बाजरे की फसल जी। तो आबादी स्टार्ट हो चुकी है अपनी मंजिल के कुछ कुछ करीब है, और वाला है जी मेरा गांव, देख सकते हैं आप, बस अपने घर के करीब ही हूँ जी। गाइस तो आबादी हो गई शुरू, बस अब तकरीबन मैं घर के करीब ही हूँ। बस ब्रेक लगा दो जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ, और बस घर पहुँच चुका हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए नदीम को, अल्लाह हाफिज़।